बार आप इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम इंस्टाग्राम जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, सेम वही कलर होंगे, सिर्फ आपका लोगो चेंज होगा। तो मेटा ये भी लिखा हुआ है इसमें। इसे आप ओपन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये इस तरीके से एप्लीकेशन पहली बार ओपन होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आपके इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपके पास बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहाँ देखिए सेव अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी अकाउंट चाहे वो अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं ये वाला अकाउंट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए हमारा जो अकाउंट है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और अकाउंट आने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा है गेट रेडी, जो तो बिल्कुल सेम तरीके से वही नाम और यूजर नेम आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर परमिशन देनी है, तो यहाँ से फोटो और जो भी आपने बायो में लिखा होगा और लिंक जो होगा वो सारे का सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले मैं अगर बता दूं कि अगर आपने अपने इंस्टाग्राम पर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा रखा होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन की तरह ही होता है तो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, तो वहां पर आपको एक मतलब नोटिफिकेशन आएगा, आपको उसे वहां पर कंफर्म कर लेना है या एक्सेप्ट करेंगे तभी यहां पर आप यहां पर ये सब यहां पर ऐड कर पाएंगे। अगर आपने वहां पर नहीं लगाया है तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है और सारी चीज़ें यहां पर आ जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वहां से फोटो आ जाएगी, बायो में मैंने सिर्फ ही लिखा था हाई, मतलब वो यहां पर आया। अगर लिंक मैंने ऐड किया होता तो वो भी यहां पर आ जाता, तो मैंने जो वहां पर ऐड किया वही यहां पर आएगा। तो इस तरीके से आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए आपके सामने इस तरीके से आएगा, आप उस अकाउंट को पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो बेसिकली आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखे थे या पब्लिक। तो मैं पब्लिक ही रखता हूं, तो पब्लिक पर रहने देता हूं। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे, बस देखिए आपके सामने आएगा फॉलो द सेम। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा अकाउंट है मैंने आपके लिए बनाया है, पर्सनली आपको यहां पर अकाउंट बनाने के लिए, ये मेरा पर्सनल अकाउंट मैंने एरा नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखिए नीचे लिखा है फॉलो ऑल, तो यहां पर आप फॉलो ऑल पर क्लिक करेंगे। आपने जिन लोगों को अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया होगा वो लोगों को यहां पर आ जाएगा, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है हाउ थ्रेड्स वर्क, तो ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। तो आप यहां पर ज्वाइन थ्रेड्स पर क्लिक करेंगे, बस आपका जो अकाउंट है वो यहां पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपका अकाउंट जो है वहां पर यहां पर देखिए क्रिएट हो चुका है। सो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपने यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी यहाँ देखिए आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, ये सेम बिल्कुल ट्विटर की तरह बनाया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये देखिए आप अपनी मी पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर लोगो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और थ्रेड्स पर यहाँ पर भी आप पोस्टेड करेंगे, पोस्ट डालेंगे तो वो यहाँ पर थ्रेड्स कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने थ्रेड्स पर एक नया अकाउंट या एक नई आईडी बना सकते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।